सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लोन फूड ट्रैवलर। सो गाइस, इसी के साथ आज है फ्राइडे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और आज मैं जा रहा हूँ काम पे फिर से। और साथ ही साथ आज वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, आज जैकेट की नहीं लोड, बट वैसे भी मैंने पफ जैकेट पहनी है, उतनी गर्म नहीं है। सो ठीक है, उतनी गर्म नहीं है। सो इसी के साथ अब आगे निकलते हैं। और धूप आज इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, ये देखो मेरी आँखें नहीं खुल रही ब्लॉग करते टाइम। साथ ही साथ आज कार वॉश कराने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही, कार क्लीन ही है हमारी पूरी। सो गाइस, इसी के साथ अब चलते हैं आगे, चाय का एक कप लेते हैं, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे अपने काम के लिए। सो गाइस, इसी के साथ ये जगह देखो, ये जो जगह देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एक फिल्म स्टूडियो है और यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो मैंने यहाँ पे डिलीवरी की। सो माय गॉड, चारों तरफ देखो, चारों तरफ एक्टर वैनिटी वैन थी इतनी सारी। सो यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, उनका पूरा कास्ट था, जिसको मैंने कॉफ़ी डिलीवर की ना स्टारबक्स की, तो वो कोई हेड थी उनकी, उसमें पूरा इक्विपमेंट सारे पहने हुए थे जो एक डायरेक्टर पहनता है या उसके को डायरेक्टर या मे बी वो कैमरा मैन होगी। यार यहाँ पे भी कैनेडा में भी शूटिंग करके लिए है फिल्म की। सो आज मुझे समझ आया कि यहाँ पे यूजली ना फिल्म सेट होते हैं जितने भी, सो ये वो एक फिल्म सेट है, उनमें से एक यहाँ पे फिल्म सेट बनता है अपने कनाडा में टोरंटो में, किपलिंग हमारे घर के पास में ही है। सो यहाँ पे इन्होंने पूरा फिल्म सेट बनाया हुआ था अंदर में। सो मैंने जिसको कॉफ़ी डिलीवर की ना, ओ माय गॉड, मैं पूछ लेना था उससे यहाँ पे काम के लिए क्या हिसाब किताब है। बस ये देखो, इसी के साथ उबर करते करते मैं आ गया एक मीट शॉप। यहाँ पे पता क्या होता है, कच्चा मीट, पक्का मीट और सारी ग्रॉसरी एक ही साथ होती है। अब आप अंदर चल के दिखाता हूँ, ये देखो सारा कच्चा मीट पक्का मीट एक ही जगह पड़ा हुआ है पूरा। आप पतिया यहीं पे सारा कच्चा मीट और जो अदर ग्रॉसरी होती है वैसे ही पड़ा रहता है, और वहीं पे आप आओ और लेके जाओ। यहाँ पे इंडिया टाइप नहीं है कि उसको रखे रहो जब तक वो सड़ नहीं जाता, तो उसकी भी एक वैलिडिटी डेट होती है, 3 या 4 दिन तक वो मीट वहाँ रहता है, फिर नहीं होता तो फिर उसको गार्बेज कर दिया जाता है और फिर उसको यूज़ नहीं किया जाता। बस इसी के साथ उबर करते करते शाम के 7 बज चुके हैं अभी, और उबर बहुत ही अच्छी चल रही है। जो इनका नया रूल आया ना उबर का, वो काफ़ी अच्छा है। उसमें क्या होता है कि आपको पहले ही पता होता है किस कस्टमर ने आपको कितनी टिप दी है, और मगर वो टिप ऐड होती है 1 घंटे बाद। सो आपको पता तो होता है इसने मुझे इतनी टिप दी है और 1 घंटे बाद उतनी टिप ऐड होगी। अगर बीच में कस्टमर का मूड चेंज हुआ तो वो टिप चेंज भी कर सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है और कम भी दे सकता है। सो ये है उबर की न्यू पॉलिसी। साथ ही साथ ये देखो, आज उबर जितनी ज़्यादा बिजी है। सो ना, आप लोग सोचते होगे कि मैं उबर क्यों करता हूँ, क्योंकि ना मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना, मेरे पास ट्रक का भी लाइसेंस है, मेरे पास बाइक का भी लाइसेंस है, और मेरे पास रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का वेरी गुड एक्सपीरियंस है। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊँगा ना, वो मुझे ज़्यादा सवाल नहीं करते, मुझे सीधा हायर कर लेते हैं सीधा। मैं सोचा थोड़े दिन की अपने आप को ब्रेक दो, अपना ही काम करो, जब मरना है तब उठो, जब काम करना है करो, पैसे तो उतने ही बनने हैं। सो साथ ही साथ अब मुझे लग रही बहुत जोर की भूख, तो चलते हैं और कुछ खाते हैं अब जाके। सर अभी मैं जा रहा हूँ अपना खाना लेने रेस्टोरेंट, और मुझे लग रही भूख, और ये चेक कर लो आप बाहर का माहौल, आज सुना ही है यहाँ पे सब कुछ इतना बिजी है नहीं। तो ये शॉप आया हूँ मैं बर्गर लेने के लिए, रूडी, इनका बर्गर बहुत ही फेमस है। तो गाइस, इसी के साथ बर्गर वर्गर खाने के बाद मैं आया था यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करने, और आप ये व्यू चेक करो, ये देखो यहाँ पे व्यू चेक करो, यहीं पे पास में सीएन टावर है और यहाँ से आपको पूरा डाउनटाउन दिखता है। ये जो अपोजिट टॉप वाले फ्लोर में रहता होगा ना पेंट हाउस में, उसके तो जलवे होंगे भाई, ये व्यू देख लो आप। ये सीएन टावर है टोरंटो का, यहीं पे क्लोज से वो मेट्रो जा रही है, मस्त सीन है ना ये। इसी के साथ अब शाम के बज चुके हैं पूरे 8:30, और अभी भी उबर कर रहा हूँ मैं, और आज करेंगे हम 12-1 बजे तक एज़ यूजुअल, क्योंकि मे भी संडे को हम लेंगे छुट्टी, इस करके आज थोड़ी दिन एक्स्ट्रा काम कर लेंगे ताकि संडे को छुट्टी ना लेनी पड़े, क्योंकि संडे को नेथन फिलिप स्क्वायर में संडे को प्रोग्राम है गुरपुरब का, क्योंकि यहाँ पे सन नगर कीर्तन निकल रहा है, तो वहाँ पे ना एक प्रोग्राम होगा, कीर्तन होता है वहाँ पे हर साल जैसे, सो वही प्रोग्राम है, सो मे बी हम वहाँ जाएंगे। सो लेट्स सी, अब आपको आगे मिलते हैं। सो गाइस, इसी के साथ रात के बज गए हैं 12, और अभी मैं ना डिलीवरी सी कर रहा हूँ, तो ये आप महल से देख रहे हो, जो ये सारा महल है ना, यहाँ पे आइस हॉकी का कॉम्पिटिशन होता है। सो जो आप टीवी में देखते हो आइस हॉकी, या नेचर लीग, नेशनल हॉकी लीग, वो यहीं पे होती है, कोका कोला कोलेजियम इसका नाम है। और ये इतना बड़ा देखो, कितना बड़ा स्टेडियम है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत आखिरी तक है, वो पूरा एंड तक जाता है। साथ ही साथ ये देखो, ये है बीएमओ फील्ड, यहीं पे होता है अपना फुटबॉल का मैच।
सो गाइस फाइनली इसी के साथ मैं आ गया हूँ घर। अभी रात के बज रहे हैं पूरे पूरे 1 बज चुके हैं। अभी मुझे खाना बनाना है, मुझे वीडियो एडिट करनी है और मुझे रिलैक्स भी करना है। इसके लिए रिलैक्स करने के लिए या तो मैं कोई मूवी देखता हूँ या तो मैं गेम खेलता हूँ। सो 3 काम करना है मुझे भी लगता है। आज भी 4-5 बजेंगे सोते सोते। साथ ही साथ आज मेरा एक बहुत अच्छा पार्सल आया है। मेरे पास ना पिलो नहीं थे अच्छे वाले, सो मैंने 2 किंग साइज के पिलो मंगाए हैं। ये देखो मेरा पिलो वाला पार्सल भी आ गया है। ये पार्सल ओपन करते हैं शिवजीत सिंह के रूम में जाकर। शिवजीत सिंह प्लीज आराम से काटना, सराहना मत काट देना। नए हैं, स्लोली स्लोली जाओ बहुत। तो अनबॉक्सिंग कर रहे हम सराहने की। 3,500 रुपये का एक सराहना, $100 का आया गए। $100 के 2 सराहने, हिसाब लगा लो इंडियन रुपीज में कितना होता है। 5,500 के आसपास के 2 सराहने, वाह। इट्स गाइस ये देखो, ये सराहना पूरा वैक्यूम सील्ड है। अब इसमें से सील खुलेगी। ये देखो ये सील दिख रही है अब तो यहाँ, ये पूरे सराहने की सील है। तो ये बहुत आराम से खोलना पड़ता है वैक्यूम सील। अभी ब्लेड कौन पुट्टी पाती है, ये देखो अभी सराहना खुल जाएगा। देखो ये सराहना खुल रहा है। अभी कल तक इतना मोटा हो जाएगा। तो अभी इसमें कवर चढ़ा देंगे ताकि कल तक हमें वेट ना करना पड़े। देखो ये छोटे छोटे वो 2 पार्सल थे ना, जो कितने बड़े सराहने यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ऐसे के 2 हैं। सो मस्त, अब हमारे रूम में सराहने भी हो गए हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइट भी बहुत सेटअप होने वाली है, ये बाकी की लाइट भी आने वाली है, फिर वो भी दिखा दूंगी आपको। सो साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे प्यार देते रहो। आप लोग 50 लोगों की वीडियो देखते हो ना, बहुत है। क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है वो कैनेडियन ही है, उसको वीडियो में कुछ समझ भी नहीं आता, फिर भी वो रोज़ वीडियो देखता है और स्नैप भेजता है मेरे को, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज़। सो वो बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। ऐसे प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।